नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि आज मात्र सुनवाई और न्याय के लिए देश के विख्यात पदक विजेता खिलाड़ी जंतर मंतर की सड़क पर सोने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा ने खिलाड़ियों को समर्थन करते हुए कहा कि अगर सरकार की ओर से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों के समर्थन में हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से खेल मंत्री संदीप सिंह के बचाव में दिए बयानों से साफ जाहिर होता है कि सरकार की ओर से दिया जा रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल कागजी है। उन्होंने कहा कि सरकार को हरियाणा की बेटी की शिकायत पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, दिखावा या ढकोसला नहीं होना चाहिए, न्याय पाना उसका एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि जहां आज बड़े बड़े दावे सरकार के मंत्रियों की ओर से किए जाते हैं, बड़े बड़े दरबार लगाकर एक मौखिक शिकायत पर अधिकारी एक सस्पेंड कर दिए जाते हैं, परंतु एक बेटी की ओर से FIR दर्ज करवाने के बावजूद मंत्री अपने पद पर बना रहे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हरियाणा के लिए नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से कुश्ती संघ बर्खास्त किया जाए और मामले की उच्च स्तरीय जाँच भी कराई जाए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है पदक विजेता रेसलर्स हमारे एक बार फिर मजबूर हुए हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। सरकार के सामने एक बार फिर इंसाफ की गुहार लेकर आज वो सड़कों पर बैठे हैं और जैसा कल रात पूरे देश ने देखा, सड़कों पर सोए भी। आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे आगे आता है, हमारे देश की बेटियों की, हमारे खिलाड़ियों की असमत की क्या कीमत है? हमारे यहाँ पर इंसाफ पाने के लिए जहाँ गरीब धक्के खा रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के बाद भी खिलाड़ियों को, बेटियों को, रेसलर्स को, प्लेयर्स को आज क्या जान देनी पड़ेगी? जैसा कि वो कह रहे हैं वो इस हद तक भी जाएंगे। हम सबको प्रकरण याद है, कुछ समय पहले जब ये आवाज़ पहली बार उठी थी उन्होंने जाँच की मांग करी थी, तमाम पैनल्स, इंक्वायरीज और हम कहेंगे आई वॉश के बाद आज उन्हें भरोसा हो गया कि उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी देश प्रदेश की सरकार से यही गुहार है, कृपया करके उन्हें न्याय दिलवाइए। और हम इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं चुकेंगे कि एक तरफ पंजाब की और दिल्ली की सरकार है जो अपने प्लेयर्स को, जो कोई भी पदक जीत के आता उसे 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि उन्हें दे रही है, साथ ही में उनके साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ हमारी वो सरकार भी है जो इंसाफ की आवाज़ उठाने वाली बेटियों के साथ, उनके आंसुओं के साथ नहीं खड़ी होती बल्कि मौन व्रत रखकर, आंखों पर पट्टी बांधकर इस दरबार में नज़ारा देखती। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।